सब्सक्राइब करें टेक्निकल बीट्स चैनल को और बेल आइकन को दबाएं लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। गाइस वेलकम टू टेक्निकल बीट्स यूट्यूब चैनल। और गाइस आज हम बात करने वाले रियलमी 10 प्रो प्लस 5G वर्सेस ओप्पो रेनो 8 5G। आज हम इन दोनों 5G डिवाइस के फीचर्स को कंपेयर करेंगे और आपको बताएंगे कि आपके लिए कौन सा फ़ोन वैल्यू फॉर मनी है। तो चलिए गाइस फटाफट से वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो गाइस यहाँ पर हम सबसे पहले बात करने वाले डायमेंशन के बारे में। तो Realme 10 Pro Plus 5G के अंदर में वीट देखने को मिलती है 2.19 इंच, हाइट यहाँ पर हमें 6.36 इंच देखने को मिलती है, डेप्थ यहाँ पर हमें 0.13 इंच देखने को मिलता है और वेट यहाँ पर हमें 175 ग्राम देखने को मिल जाता है। वहीं Oppo Reno 8 5G की बात करें तो यहाँ पर हमें वेट देखने को मिलती है 2.89 इंच, हाइट यहाँ पर हमें 6.32 इंच देखने को मिल जाती है, डेप्थ यहाँ पर हमें 0.13 इंच देखने को मिलता है और वेट यहाँ पर हमें 179 ग्राम देखने को मिल जाता है। तो ऑलमोस्ट दोनों डिवाइस का डायमेंशन यहाँ पर हमें सेम टू सेम देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट गाइस बात करते हैं इन दोनों के डिस्प्ले के बारे में। तो Realme 10 Pro Plus 5G के अंदर में 6.7 इंच का एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलता है, 1080x2412 पिक्सल का फुल HD प्लस रिजोल्यूशन देखने को मिल जाता है, 120Hz का रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाता है। वहीं Oppo Reno 8 5G की बात करें तो यहाँ पर हमें 6.4 इंच का एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलता है, 1080x2400 पिक्सल का फुल HD प्लस रिजोल्यूशन देखने को मिलता है, 19Hz का रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाता है और कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर बेहतर डिस्प्ले हमें Realme 10 Pro Plus 5G का देखने को मिलता है क्योंकि यहाँ पर हमें रिफ्रेश रेट काफ़ी बेहतर देखने को मिल जाता है Reno 8 की कंपैरिजन, यानी कि गेम वगैरह के लिए फ़ोन काफ़ी बेहतर रहने वाला है। और साथ ही में हमें एक कर्वड डिस्प्ले भी देखने को मिलता है, यानी कि एकदम प्रीमियम और नया लुक यहाँ पर हमें देखने को मिल जाता है डिस्प्ले के अंदर। नेक्स्ट गाइस बात करते हैं इन दोनों के कैमरा सेटअप के बारे में। तो Realme 10 Pro Plus 5G के अंदर में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिलता है, 108 मेगापिक्सल का मेन लेंस देखने को मिलता है 1.8 की अपाचर के साथ, 8MP का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस देखने को मिल जाता है, 2MP का मैक्रो लेंस देखने को मिल जाता है और सेल्फी कैमरा यहाँ पर हमें 16 मेगापिक्सल का देखने को मिल जाता है। वहीं Oppo Reno 8 5G की बात करें तो यहाँ पर भी हमें ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिलता है, 15MP का मेन लेंस देखने को मिलता है 1.8 की अपाचर के साथ, 8MP का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस देखने को मिल जाता है, 2MP का मैक्रो लेंस देखने को मिल जाता है और सेल्फी कैमरा यहाँ पर हमें 32 मेगापिक्सल का देखने को मिल जाता है। तो बेहतर कैमरा लेंस यहाँ पर हमें Realme 10 Pro Plus 5G का देखने को मिलने वाला है, यानी कि कैमरा के लिए अगर आप कोई फ़ोन परचेस करते हो तो आपके लिए Realme 10 Pro Plus 5G काफ़ी बेहतर रहने वाला है। नेक्स्ट गाइस बात करते हैं इन दोनों के परफॉर्मेंस के बारे में। तो Realme 10 Pro Plus 5G के अंदर में MediaTek Dimensity 1080 का 6 नैनोमीटर वाला चिपसेट देखने को मिल जाता है। वही Oppo Reno 8 5G की बात करते हैं यहाँ पर हमें MediaTek Dimensity 1300 का 6 नैनोमीटर वाला चिपसेट देखने को मिलता है, यानी कि बेहतर परफॉर्मेंस के लिए यहाँ पर हम Reno 8 को ही सजेस्ट करने वाले हैं क्योंकि इसका परफॉर्मेंस काफ़ी बेहतर रहने वाला है 10 Pro Plus 5G की कंपैरिजन में। नेक्स्ट गाइस बात करते हैं इन दोनों के मेमोरी सेटअप के बारे में। तो Realme 10 Pro Plus 5G के अंदर में दो वेरिएंट देखने को मिलते हैं, 6GB रैम और 128GB स्टोरेज, 8GB रैम और 128GB स्टोरेज, यहाँ पर आप एक्सपांडेबल स्टोरेज यूज़ नहीं कर पाएंगे। वही Oppo Reno 8 5G की बात करते हैं यहाँ पर हमें एक वेरिएंट देखने को मिलता है 8GB 128GB वाला, यहाँ पर भी आप एक्सपांडेबल स्टोरेज यूज़ नहीं कर सकते। नेक्स्ट गाइस बात करते हैं इन दोनों के बैटरी बैकअप के बारे में। तो Realme 10 Pro Plus 5G के अंदर हमें 5000mAh की बैटरी देखने को मिलती है, साथ ही में हमें 67W का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट देखने को मिल जाता है। Oppo Reno 8 5G की बात करते हैं यहाँ पर हमें 4500mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है और 18W का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट देखने को मिलता है। तो यहाँ पर 10 Pro Plus के अंदर हमें बैटरी काफ़ी बेहतर देखने को मिलती है 5000mAh की, बट यहाँ पर हमें चार्जर अच्छा देखने को मिल जाता है Reno 8 5G के अंदर 18W वाला, यानी कि बैटरी बैकअप के अंदर हमें ज़्यादातर डिफरेंस यहाँ पर देखने को नहीं मिलता, बैटरी बैकअप यहाँ पर सेम देखने को मिलने वाला है दोनों डिवाइस का। नेक्स्ट गाइस बात करते हैं इन दोनों के सिक्योरिटी फीचर्स के बारे में। तो Realme 10 Pro Plus 5G और Oppo Reno 8 5G दोनों डिवाइस के अंदर हमें अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिलने वाला है और फेस रिकॉग्निशन भी देखने को मिलने वाला है, यानी कि सिक्योरिटी फीचर्स ऑलमोस्ट दोनों के सेम देखने को मिल जाते हैं। नेक्स्ट गाइस बात करते हैं इन दोनों के प्राइस सेगमेंट के बारे में। तो Realme 10 Pro Plus 5G हमें देखने को मिलता है 6GB 128GB वाला वेरियंट 24,999 रुपये, 8GB 128GB वाला वेरियंट 25,999 रुपये। वही Oppo Reno 8 5G की बात करते हैं यहाँ पर हमें 8GB 128GB वाला वेरियंट 29,999 में देखने को मिल जाता है। तो काफ़ी लो प्राइस में हमें Realme 10 Pro Plus 5G देखने को मिलता है। नेक्स्ट गाइस बात करते हैं इन दोनों के कंपैरिजन के बारे में। तो Realme 10 Pro Plus 5G और Oppo Reno 8 5G का कंपैरिजन देख लेते हो तो दोनों डिवाइस के अंदर में
फुल एच डी प्लस एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल जाता है। प्रोसेसर यहाँ पर हमें रेनो 8 5G का काफ़ी बेहतर देखने को मिलता है 10 Pro Plus 5G की कंपैरिजन में। दोनों डिवाइस के अंदर हमें यहाँ पर रेनो 8 के अंदर फिलहाल हमें एंड्रॉयड 12 देखने को मिलता है, बट बेहतर एंड्रॉयड यहाँ पर रियलमी 10 Pro Plus 5G का देखने को मिलता है, एंड्रॉयड 13 देखने को मिल जाता है। कैमरा सेटअप की बात कर ले तो ऑलमोस्ट कैमरा सेटअप रियलमी 10 Pro Plus 5G का काफ़ी बेहतर देखने को मिलता है रेनो 8 की कंपैरिजन में। चार्जिंग और बैटरी की बात कर ले तो ये ऑलमोस्ट दोनों का सेम इट इज़ देखने को मिलता है, ज़्यादा यहाँ पर डिफरेंट देखने को नहीं मिलेगा आपको। और प्राइस सेगमेंट की अगर बात कर ले तो यहाँ पर रियलमी 10 Pro Plus 5G काफ़ी लो रेंज के अंदर हमें देखने को मिल जाता है रेनो 8 की कंपैरिजन में। यानी कि अगर इन दोनों डिवाइस की हम वैल्यू फॉर मनी की बात कर ले तो आपके लिए रियलमी 10 Pro Plus 5G ऑलमोस्ट बेस्ट रहने वाला है, यानी कि वैल्यू फॉर मनी जो डिवाइस है वो रहेगा रियलमी 10 Pro Plus 5G। तो गाइज़ ये था रियलमी 10 Pro Plus 5G वर्सेस ओप्पो रेनो 8 5G का फ्यूचर कंपैरिजन। आपको इन दोनों डिवाइस में से कौन सा डिवाइस सबसे बेहतर लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताना। तो गाइज़ आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।